नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे आपके क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोग 600 के करीब ख़त्म कर चुके हैं। 601 से हमें देखना था। तो 601वां क्वेश्चन है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कहाँ होती है। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है कहाँ है? हैदराबाद में। क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन चार, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जुनीपुर है, स्पूस है, सिल्वर फर है, महोगनी नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चार में डी। क्वेश्चन है हमारा अगला पांच, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपका राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन है हमारा छठवा, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब चलते हैं क्वेश्चन सात पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये है आपका कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक है। क्वेश्चन आठ पर चलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा नौ, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथों का या एशियाई हाथी का? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दस, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? काना किसली, रणथंभौर आता है, बांधागढ़ नहीं आता है, जिम कार्बेट भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 11, खग चंद जैंद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका सिक्किम में है। क्वेश्चन 12, चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है आपका तीसरा, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक आपका लाल पांडा है। क्वेश्चन है चार, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल और असम में। क्वेश्चन है हमारा 15, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 16, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी
कहलाती है। बांगर। क्वेश्चन है हमारा 17। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो 17 में आपका होगा सी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 19। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खादर। क्वेश्चन है हमारा 20। पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी बांगर। क्वेश्चन है हमारा 21। नेशनल बुड फॉसिल पार्क स्थित है, यह है आपका जैसलमेर। क्वेश्चन है हमारा 22। घना पक्षी अभ्यारण निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन 23। दाची गाम वन्य जीव अभ्यारण निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन है 24। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित। क्वेश्चन 25। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26। शांत घाटी अवस्थित है केरल। कहाँ है शांत घाटी? केरल में। क्वेश्चन 27। फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। ठीक है। क्वेश्चन 28। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम। 29। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो 1952 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? हरियाणा। क्वेश्चन 31। निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो यह आपका ले। क्वेश्चन 32। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। क्वेश्चन 33। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन है हमारा 34। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून है जो आपका अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन है हमारा 35। अगला, निम्न में से किस राज्य में
प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो याद रखना तमिलनाडु में। क्वेश्चन है हमारा 36, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह आपकी कृष्णा नदी पर। सैंतीस, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन 38, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो ये आपका चेनाब पर। क्वेश्चन 39, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 40, कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? महाराष्ट्र की। क्वेश्चन 41, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड आपकी उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये आपकी ताप्ती। क्वेश्चन है हमारा 43, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी बैतवा। याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है ना। क्वेश्चन है हमारा 44, टेहरी बन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो यह आपका भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन है हमारा 45, हिडकल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपकी घाट प्रभा। क्वेश्चन है हमारा 46, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। सी ऑप्शन 46 में सही है। क्वेश्चन 47 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह से नियंत्रित करता है? महानदी। याद रखिए इस तरह की जो भी आपकी PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 48, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 49, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका रॉकीज। क्वेश्चन है हमारा 50, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? एंडीज। क्वेश्चन है हमारा 51, दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह है आपकी न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन है हमारा 52, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? एशिया में। क्वेश्चन है 53, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है? बांग्लादेश।
कौन सा? बांग्लादेश है। क्वेश्चन है हमारा 54, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। क्वेश्चन 55, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? कालाहारी। क्वेश्चन हमारा 56, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? सैमांग। क्वेश्चन है हमारा 57, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो यह आपकी नर्मदा। क्वेश्चन है हमारा 58, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन है हमारा 59, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? तो ये आपका पालनपुर क्रोनो, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 60, राजस्थान नहर का नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन है हमारा 61, क्या है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो आपकी त्रिवेणी नहर है इसमें किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है आपका गंडक नदी से, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 62, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को कौन से सन में स्थापित किया गया था? तो किया गया था इसे 1982 में। क्वेश्चन है हमारा 63, किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गन्ना। क्वेश्चन है हमारा 64, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? यह है आपका नागपुर में। क्वेश्चन है हमारा 65, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सी शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर अंगूर पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका नासिक। क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबड़। गन्ना कपास तिलहन होती है लेकिन रबड़ नहीं होती है। क्वेश्चन है हमारा 68, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो यह है आपका बुध ग्रह। क्वेश्चन है हमारा 69, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्वेश्चन है 70, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्ण मंडल। क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा 71। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? शुक्र है, बुध है, लेकिन चंद्रमा नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से कौन सा बेहद वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। क्या है भूमध्य रेखा? क्वेश्चन है हमारा 74। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ये आपकी स्लेट। क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो ये है अवसादी। कौन सी? अवसादी। क्वेश्चन है हमारा 76। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो ये आपकी संगमरमर। क्वेश्चन है हमारा 77। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड। 77 में आपका डी है। क्वेश्चन है 78। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। क्वेश्चन है हमारा 79। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो यह है आपकी दीर्घ पृष्ठीय। क्वेश्चन है हमारा 80। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टॉर्नेडो। क्वेश्चन है हमारा 81। गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? यह आपका आइसलैंड। कहाँ का? आइसलैंड का। क्वेश्चन है 82। ग्रेट आर्टजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। तेरासी। निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? ये आपकी स्टेलेगनाइट को। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 84। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल। क्वेश्चन है हमारा 85। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का परमाणु उपस्थिति की संभावना है? मंगल। यहाँ की दशाएं पृथ्वी से मिलती जुलती ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 86। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल। क्वेश्चन है 87। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन 88। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी।
क्वेश्चन है हमारा 89। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक, चंद्रमा। क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? वीनस। क्वेश्चन है हमारा 91। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो ये आपका बुध ग्रह। क्वेश्चन है हमारा 52। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये आपका बुध। क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य को। क्वेश्चन है 94। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। क्वेश्चन है 95। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगता है? तो लगभग आपका 27.3 दिन। क्वेश्चन है हमारा 96। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन है हमारा 97। हेली धूम केतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। क्वेश्चन है 98। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 2 सेकंड से भी कम। क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत कहा जाता है? चंद्रमा को। क्वेश्चन है हमारा 700। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? शनि। क्वेश्चन है हमारा 701। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? अरुण। क्वेश्चन है हमारा 702। दूसरा, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसके संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल की। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति ग्रह की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ये भी आपका बृहस्पति से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा 705। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। क्वेश्चन है 6। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन। क्वेश्चन है हमारा 7। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है मृत सागर में। क्वेश्चन है हमारा 8। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न हुआ है? मृत सागर। क्वेश्चन 9। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है? स्थिर
जल। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला 11 क्या है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा द्वीप। बारह, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश में, ये सभी होगा, डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 13, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। पंद्रह, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? लेटराइट मिट्टी में। क्वेश्चन है हमारा 16, तमिलनाडु के दो तिहाई क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का। क्वेश्चन है हमारा 17, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है? चावल। क्वेश्चन है 18, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूं, गन्ना है, जूट है, कपास है, गेहूं नहीं है। क्वेश्चन है हमारा 19, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है 20, झरिया कोयला की खाने देश के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी झारखंड में है। क्वेश्चन है 21, बेला डीला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए। क्वेश्चन है हमारा 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी। तो चलिए, ये थे आपके 700 क्वेश्चंस भूगोल से संबंधित। ये आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं, उससे पहले आप लोग रिवीजन के पॉइंट व्यू से इन सभी क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह के आगे भी बात करते रहेंगे, जैसे कि हम लोग आपका वर्ल्ड जीके देख चुके हैं, भारत का जीके देख चुके हैं, ठीक है, कंप्यूटर देख चुके हैं, पॉलिटिकल जीके देख चुके हैं, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सब देख चुके हैं। अब कुछ बैंकिंग सेक्टर से बचे हुए हैं, रेलवे सेक्टर से बचे हुए हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है।